दोस्तों कैसे हाल चाल हैं आपकी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के ये वीडियो को देख के वो दोस्तों डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे जिनको प्लांट्स अच्छे लगते हैं ये जो वीडियो है मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आज हम प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि आप प्लांट्स को देख सकते हैं और ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबे समय से ड्यू है अब मैं सोचती रहती हूँ अब करूँगी कल करूँगी ऐसे 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 समय पास होता जा रहा है और मैं वीडियो नहीं कर पा रही हूँ पर आज मैंने सोचा है कि आज जो कुछ भी हो जाए मुझे प्लांट्स की वीडियो ही करनी है सो so, प्लांट्स के बारे में क्या है कि मुझे प्लांट्स अच्छे लगते हैं बहुत समय से uh, मैंने प्लांट्स लेने शुरू किए थे अराउंड टू फोटीन में और बहुत सारे प्लांट्स मर गए मेरे हाथों <laughs> क्योंकि जब आप प्लांट्स uh, की दुनिया में आते हैं तो प्लांट्स मरते ही हैं लाइक इट्स ओके आप धीरे धीरे ही सीखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप प्लांट्स लेने वाले वो मरेंगे मरेंगे हो सकता है कि आपके हाथों से बच जाएँ वो क्योंकि तो आप सीख लेते हैं कि अगली बार उस प्लांट को क्या करें बहुत सारे मेरे पास प्लांट्स हैं जो सर्वाइव uh, नहीं कर पाए और दूसरी बार कई प्लांट्स हैं जो मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे हाथों से नहीं बचेंगे पर कई बार कई प्लांट्स मैंने ले लिए क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उनको कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी सो so, uh, मुझे नहीं पता कि मेरे प्लांट्स मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं या नहीं uh, लोगों के सब पास तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं आई विश कि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स हों लाइक like, मेरा घर जंगल जैसे बन जाए पर मेरे पति कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा प्लांट्स खरीदते हो कि अपने हाथ थोड़े कंट्रोल में रखो सो so, जो भी मेरे प्लांट्स हैं मोस्टली मैंने लिविंग एरिया में या किचन में या डाउन स्टेयर ही रखे हैं अभी मैंने अपने प्लांट्स को अप स्टेयर्स भरना शुरू नहीं किया है पर मेरी कोशिश है कि मैं दो तीन प्लांट्स मेरे बेडरूम में और मेरे वॉशरूम में रखूं क्योंकि वहाँ पे जो लाइट है वो परफेक्ट है प्लांट्स के लिए सो so, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे पास कौन कौन से प्लांट हैं और थोड़ी सी उनकी टिप्स भी मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं सीख रही हूँ और या, जितना मुझे पता है उतना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आई होप आप इस वीडियो को इन्जॉय करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तभी आप मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को मिस नहीं करेंगे सो so, शुरुआत करते हैं कौन सी कैटेगरी से शुरू करें मुझे पता नहीं है जो भी मेरे प्लांट्स मेरे पास हैं उनसे हम शुरू कर लेते हैं अब बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मैंने बच्चे बच्चे लिए थे और बड़े हो चुके हैं बहुत सारे हैं जो मैंने थोड़े बड़े ही लिए हैं तो सबसे पहले मेरे पास ये प्लांट है जिस जिसमें काफ़ी सारी स्टिक्स घुसाई हुई है मैंने वो इसलिए क्योंकि जो जो इसकी ब्रांचेज है वो काफ़ी वीक सी हैं सो इसे सहारा मिल जाए इसलिए ये जो प्लांट है मैंने बहुत ज़्यादा छोटा लिया था लाइक दो तीन पत्ते ही थे इसमें अब आप देखें कि कितने बड़े पत्ते हैं इसमें लाइक काफ़ी खुश है ये प्लांट और इस प्लांट का नाम है प्रेयर प्लांट या फिर आप इसको कलेथिया भी बोलते हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लाइक इसका जो पत्तों का स्टाइल है वो कितना डिफरेंट एंड यूनिक है जो भी आ, प्लांट्स थोड़े यूनिक एंड डिफरेंट होते हैं वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और आप देखें कि आ, ये पता नहीं मैंने कप में इसलिए रखा है क्योंकि पानी था इसमें तो ड्रेन हो जाए वो वैसे इसको मैं इसके पॉट में ही रखती हूँ और ये जो इसका पॉट है नर्सरी वाला पॉट है ये इसमें आया था नहीं ये इससे भी छोटे में था क्योंकि ये बेबी था तो मैंने उसके बाद फिर से इसी में डाल दिया लाइक लाइक नर्सरी वाले पॉट में ही बट बड़े पॉट में ये इसलिए क्योंकि जो इसमें ये नीचे होल्स हैं इसकी ड्रेनेज बहुत ज़्यादा अच्छी है जो हम सिरामिक के या और कोई यूज़ करते हैं मुझे इसकी ड्रेनेज सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और सबसे बड़ी टिप है प्लांट्स के लिए कि ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए ताकि ये जो आपके अंदर सॉयल है वो सोगी नहीं हो जाए उससे क्या होती है जड़े रॉटन हो जाती हैं गल जाती हैं वो प्लांट्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं अब आप ये पत्ते देखें कितने खुश हैं कोई भी पीला पार्ट नहीं है सो अच्छा हैप्पी पत्ता है प्लांट है ये सो so, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी में रखा है मैंने और इसको मैं इसमें रख देती हूँ ताकि पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाए uh, ज़्यादातर प्लांट्स दो ही वजह से मरते हैं एक तो आप उसको पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं या फिर पानी बहुत कम देते हैं ये सबसे बड़े रीज़न है पानी बहुत ज्यादा देना सबसे ज़्यादा कॉमन है क्योंकि जब भी हम कोई प्लांट लेके आते हैं हमें लगता है ये बस पानी देते रहो और वो बच जाएंगे पर जितना पानी देते रहोगे उतना ये जो मिट्टी है वो गीली रहेगी जितनी वो गीली रहेगी उतना अच्छा नहीं उससे इंसेक्ट्स होते हैं मुझे नहीं लगता कि मेरे इन प्लांट्स में से किसी में भी कोई इंसेक्ट है क्योंकि बहुत सारे आप दोस्त कहते हैं कि आप स्पाइडर से कैसे बचते हैं क्योंकि आ, ड्रेनेज अच्छी हो तो फिर पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाता है और ऐसे भी नहीं है कि इसको बस पानी पानी के टैप के नीचे रख दो कि पानी चलता रहे चलता रहे थोड़ी सी क्वान्टिटी डालो कि हो जाए देन डन थोड़ी देर ये ड्राई भी हो जाएगा तो सो के और अगला ये है जेड जेड जो प्लांट है ये सकुलेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा इजी प्लांट है इसकी बस एक ही टिप है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि ये ड्राई एरिया को बिलोंग करता है तो इसे काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहने की आदत है और आप देखें अमन अगर देख पाएंगे मैं क्लोजअप दिखा दूँगी कि इसमें बेबीज आ रहे हैं सो ये हैप्पी है और इसको भी मैंने आ, इसके पॉट में ही रखा है नर्सरी पॉट में क्योंकि ड्रेनेज बहुत अच्छी है और जो भी आ, सकुलेंट हैं या ड्राई एरिया वाले प्लांट्स हैं उनको अगर पानी ज़्यादा मिलेगा वो तो सबसे ज़्यादा जल्दी आ, मर जाएंगे लाइक वो बहुत ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगे सो इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और जब आप प्लांट खरीदते हैं तो हमेशा प्लांट को ऐसे निकाल के मिट्टी हो जाएगी यहाँ पर ऐसे जड़ें देख लें कि जड़ें अच्छी हैं ज़्यादातर प्लांट्स की जड़ें वाइट येलोइश या क्रीमिश होती हैं अगर प्लांट की जड़ें काली काली सी हैं या गली हुई लग रही हैं तो वो प्लांट मत खरीदें सो so, या yeah, ये अच्छा हेल्दी है थोड़ा छोटा था पर uh, इस सीजन में इसमें काफ़ी पत्ते आए हैं नए सो आई एम वेरी हैप्पी सो ये है जेड अगला मेरे पास है ये जोको कैक्टस आ, ये भी वैसे बहुत छोटा लिया था मैंने अभी अच्छा बड़ा है पर ये कुछ समय से नाखुश था पता नहीं क्यों पर फिर मैंने क्या किया इसकी सॉइल है जो उसको चेंज कर दिया नई सॉयल इसमें ऐड कर दी ऐसे जो कैक्टाई किस्म के प्लांट्स हैं उनमें मैं जो सॉइल ऐड करती हूँ वो कैक्टाई फ्रेंडली सॉइल होती है क्योंकि वो आ, पानी ज़्यादा अपने अंदर रोकती नहीं है क्योंकि इनको अगर पानी रोकेगा तो ये फिर ढीले से गल जाएंगे और फिर सही नहीं होगा पर अब ये थोड़ा खुश लग रहा है और खुश है बड़ा है और बेबीज़ भी आ रहे हैं और या सो so ये जो प्लांट है बहुत ज़्यादा पुराना है मुझे लगता है कि इससे हो गए होंगे थ्री इयर्स थ्री से ज़्यादा हो गए फोर इयर्स पुराना है ये आ, इसने अपने समय के हिसाब से तो ग्रो नहीं किया पर फिर भी काफ़ी ग्रो किया है सो so, या ये हिजोको कैप्टस काफ़ी इजी प्लांट है ये अगर आपके हाथों से प्लांट्स मर जाते हैं ज़्यादा तो आप ये ले सकते हैं और ये है फिलाडेंड्रन और ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है मैंने कितनी बार आपको कितनी सारी वीडियोस में बताया है ये जो फ़िलाडेंड्रन है ये वाइन्स हैं लाइक like, लंबे लंबे लटकते हैं पर इसको आप ऊपर की तरफ भी लग, लगा सकते हैं लाइक इसको सहारा दे दें कि, कि किस तरफ चढ़े ये चढ़ जाएगी उसी तरफ पर मैं फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही चाहती हूँ कि नीचे की तरफ जाए क्योंकि मैंने जहाँ पर इसको रखा है मैं उसको नीचे की तरफ गिराना चाहती हूँ और ये बहुत ज़्यादा खुश एंड हैप्पी प्लांट है इसमें बहुत सारी नई स्टेम्स आ रही हैं नए पत्ते हैं अच्छा खुश है और इसकी मैं एक टिप देना चाहूँगी कि इसको बहुत सारे दोस्त मानते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है पर इसको बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो फिर रॉटन हो जाएंगी जड़ें इसको थोड़ा ड्राई होने दें लाइक ऐसा भी ड्राई होने देंगे कि इसके पास मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए और आप जब देखें कि वो तो बहुत ड्राई है तब पानी दें तो ज़्यादा मज़ेदार रहेगा ये ज़्यादा थ्राइव करता है और अगली टिप इस प्लांट के लिए है कि आ, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए मोस्टली सारे प्लांट जो इंडोर होते हैं उनको इनडायरेक्ट ही सनलाइट चाहिए पर ऐसे नहीं हो कि बहुत दूर अंधेरे में रख दें कोई भी प्लांट अंधेरे में सर्वाइव नहीं कर पाएगा लाइक ऐसे होना चाहिए कि आप आराम से बुक पढ़ पाएं उस एरिया में इसको रखें या किसी भी प्लांट को पर कई प्लांट्स हैं लाइक ये है अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी तो ये जल जाएगा सो so, हमेशा कर्टन हो आगे या फिल्टर्ड हो एकदम डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए और इस प्लांट को भी मैंने इसी के लाइक ऐसे प्लास्टिक में रखा है मैं यूजली सारे प्लांट्स को ऐसे ही रखती हूँ ऐसे ये खुश रहते हैं क्योंकि जब आप नर्सरी में से इसको लेके आते हैं अपने घर में पहले ये दुखी होता है क्योंकि उसकी जगह चेंज हुई है क्योंकि प्लांट्स भी यू नो you know, फील कर पाते हैं चीज़ें सो so, अगर इसको लाते ही आप इसके पॉट से निकाल के किसी और पॉट में डाल देंगे तो मरने का ख़तरा सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो पहले ही उसका इन्वायरमेंट चेंज हुआ है वो खुश नहीं है अगर उसके पॉट में रखेंगे एक दो हफ्ते तीन चार हफ्ते महीना वो थोड़ा आपके इन्वायरमेंट को देख लेगा कि यार सही है ये लोग बंदे सही हैं इस घर में रहते तो फिर उसको मूव करें एकदम से मूव करेंगे तो बेचारा कहेगा यार हाँ नहीं बंदा नहीं वैया सो so, इसको इसके पॉट में ही रहने दे वैसे भी इसकी ड्रेनेज अच्छी होती है तो रहने दो और इसी को किसी डेकोरेटिव पॉट में डाल दें ताकि आपका डेकोरेशन का भूत भी उतर जाए और ये प्लांट भी बेचारे को लगे नहीं कि मैं दुखी हूँ तो देखें ये कितना बेचारा खुश है बेचारा नहीं है ये खुश है सो so, अगला है मेरे पास ये माचो फर्न ये जो प्लांट है इसको फर्न बोलते हैं फर्न में बहुत किस्म के प्लांट्स आते हैं आ, मैंने बहुत सारी फर्न्स को मारा है मेरे घर में और ये जो है ये सर्वाइव कर रही है ये है माचो फर्न ये बहुत ज़्यादा जॉइंट हो जाता है वैसे भी मुझे वो प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत जॉइंट हो जाए और इसका ये है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं चाहिए अगर मिलेगी तो ये हो जाएगा पीला जल जाएगा इसको फिल्टर्ड सन चाहिए और को हमेशा गीला रहना अच्छा लगता लाइक ऐसे नहीं हो कि मिट्टी से पानी बहुत ज़्यादा पानी हो पर इसको हमेशा आ, वेट सॉयल चाहिए उसके लिए इसे वी एवरी वीक आपको पानी डालना पड़ेगा और पानी डालने की टिप है कि पानी प्लांट में तभी डालें जब वो ड्राई हो चुकी हो गीले प्लांट में और पानी मत डालते रहें फिर वो ख़राब हो जाएंगे मर जाएंगे सो तो उसके लिए क्या करना है आपको अपनी फिंगर्स को सॉयल में घुसाना है लाइक टू इंचज और अगर आपको लगता है कि मिट्टी ड्राई है दो इंच तक सिर्फ थोड़ी सी ऊपर से ना करें क्योंकि ऊपर से ड्राई होती है अंदर से गिली होती है सो so, अगर दो इंच तक आपको लग रहा ड्राय है ड्राई तभी पानी डालें वो भी थोड़ी क्वांटिटी पर इस इस प्यारू को बहुत सारा या पानी चाहिए होता है तो हर हफ्ते इसको पानी दें सन से दूर रखें पर लाइट में रखें तो ये बहुत बहुत मज़ेदार खुश रहेगा ओके okay, दिस इज़ डन और अगला भी मेरे पास कलेिया है जो बेचारा खुश नहीं है अगर आपने ये प्लांट पहले देखा होगा मेरे चैनल पे ये बहुत ज़्यादा हैप्पी था पूरा फुल था पर मैंने क्या किया कि इस प्लांट को आ, ये इसी का भाई है लाइक ये दोनों सेम फैमिली के हैं बट ये पिंक मेरेटा कलेथिया है प्रेयर प्लांट वो ग्रीन है सो ये बहुत लंबे हो रहे थे लाइक आप देखिए कि अभी भी ये काफ़ी लंबे हैं तो मैंने इनकी स्टैम्प्स को काट के सोचा कि प्रॉपोगेशन करते हैं पर उसकी वजह से ये बेचारे जो थे वो भी मर गए आ, सो या ये प्लांट आजकल बिल्कुल खुश नहीं है पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि सर्वाइव कर पाए इसी के वो मरे हुए पत्तों की मैं प्रॉपोगेशन कर रही हूँ यस जड़ें निकल रही हैं इसमें से पर या मुझसे गलती होगी कि मैंने इसके साथ छेड़छाड़ की इसे प्रॉपोगेसन बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कई प्लांट्स को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या होने वाला है ये पत्ता पीला हो रहा है सो या ये वो प्लांट है जो बहुत खुश था कुछ दिन पहले पर जब मैंने इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ की तो ये ना खुश हो गया और दूसरी चीज़ है कि मैं छेड़छाड़ एकदम से नहीं करती हूँ प्लांट्स को लाके प्लांट्स को लाके उन्हीं के पॉट में हफ्तों तक रखती हूँ बस पानी देना हो तो देती हूँ और छेड़छाड़ करूँगी नहीं मैं ज़्यादा क्योंकि फिर वो इरीटेट हो जाता है और इसके साथ मैंने कितने महीनों तक कुछ नहीं किया और जब किया आई थिंक ये प्लांट मोर देन टू ईयर्स ओल्ड है पर अब ये मरने की सिचुएशन में है वो फुली सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि अब थोड़ा ठीक लग जाए और राइट अब मेरे पास है एलिफेंट्स लेग एक्चुअली पॉट्स बहुत हैवी हैं सो so, अब मेरे पास ये जो प्लांट है ये है एलिफेंट्स लेग वो इसलिए क्योंकि ये उसकी जड़ है उसको एलिफेंट जैसे दिख रही है ये और ये बहुत ही ब्यूटिफुल हैप्पी प्लांट है पूरा ग्रीन है और ये वन ऑफ दोज प्लांट है जो बहुत जल्दी मर जाते हैं पानी ज़्यादा देने से सो so, ये जो इसकी जड़ है इसमें पानी रहता है सो so, अगर इसमें आप अपनी फिंगर्स को इंसर्ट करके देखेंगे भी दो इंच तक ड्राई है तो पानी दे देंगे पर इसको नहीं चाहिए क्योंकि इसके यहाँ पे पानी स्टोर रहता है तो इसको बहुत कम पानी चाहिए दो से भी ज़्यादा अंदर तक देखें कि रियली really ड्राई है तभी पानी दें अदरवाइज मर जाएगा ये काफ़ी देर तक नहीं भी देंगे ड्राई रहेगा तो चलेगा पर ज़्यादा मत दें और फर्टिलाइज़ करें आप इन सारे पौधों को अराउंड मंथ uh, में दो बार कर सकते हैं समर सीजन में क्योंकि तब वो ग्रो करते हैं अदरवाइज़ मंथ में सिर्फ एक ही बार करें क्योंकि वो ग्रो नहीं करेंगे और वो न्यूट्रिशंस uh, को ज़्यादा सोखेंगे नहीं तो वहीं पे बैठे रहेंगे तो फिर ओवरडोज हो जाएगा सो so, ये प्लांट मैंने लिया था तीन चार महीने पहले और इसको मैंने इसी के पॉट में रहने दिया पर आ, वो अपने पॉट से बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था और अंदर सॉयल ना के बराबर थी और सारी जड़े ही जड़े थी तो मैंने इसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया पर मैंने वही नर्सरी वाले ला के रखे हैं खूब सारे क्योंकि इससे उसको एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलेगा तो इसको आप अपने डेकोरेटिव प्लाट्स पॉट्स में डालें और खुश रहेंगे ये ओके सो अनदर कैक्टाई है ये स्नेक प्लांट बट ये राउंड शेप का है ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है अगर आप देखें कि इसने अलग से कितने सारे बेबीज़ दे दिए हैं बेबीज़ हैं इसके ये इनको आप रिमूव करके इनको प्रोपोगेट कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट में रख सकते हैं इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है और दूसरी चीज़ है कि इसकी जड़ें आप देख सकते हैं दैट मीन कि अब इसको पॉट चेंज करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है क्योंकि ये बाहर की तरफ आ रहा है सो वो मैं करूँगी और इसको पानी भी देने वाला ये काफ़ी ड्राई है और इसकी भी टिप है कि पानी कम से कम दें और जो सॉइल है वो वही वाली हो जो वो फ्रेंडली हो कैक्टस वाली आपको अलग से सॉइल मिल जाती है बाजार में वो लें और इसको वही दें अगर आप मेरे ब्लॉग्स को देखते हो तो आपने पहले देखा होगा कि इसमें सिर्फ तीन पत्ते थे अब काफ़ी सारे बच्चे आ चुके हैं और एक जो पत्ता था बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था वो इतना लंबा था कि मेरे सन की हाइट का था वो सो उसके मैंने छोटे छोटे बेबीज कर दिए उसको मैंने कर कर रहे हैं प्रोपोगेट जड़ें निकल रही हैं बहुत अच्छी और जब सभी में जड़ें निकल जाएंगी तो फिर हम इसको लगाएंगे इसके अंदर लगा दूंगी मैं या फिर अलग से मैं प्लांट बना सकती हूँ लाइक आप किसी को प्रेजेंट दे सकते हैं जिसको प्लांट्स अच्छे लगते हैं सो so, ऐसे आप कर सकते हैं ये काम और सो right. so, ये डन हो गया मुझे लगता है यहाँ पर सारे प्लांट्स डन हो गए यस yes. अब इस तरफ बढ़ते हैं या सो यहाँ पे मैंने ये प्लांट कुछ ही दिन पहले लिया है नर्सरी पॉट में है एग्जांपल छोटा बेबी लिया है मैंने कई प्लांट्स मुझे बेबी इसलिए मैं लेती हूँ क्योंकि अगर आप उसको पले हुए लेंगे तो बहुत महंगे आते हैं सो बेबी इज़ लाइक तीन चार डॉलर में आ जाता है अगर बड़े लेने हैं तो थर्टी थर्टी एट में आएंगे और मैं प्लांट्स कहाँ से लेती हूँ डिपेंड करता है कभी मैं होम डिपो से मुझे मिल जाता है वॉलमार्ट से मिल जाते हैं आइकिया से या जो स्पेशल नर्सरीज़ हैं टैरा टेरा नर्सरी है बर्लिंगटन उस सब वहाँ से लेती हूँ मैं या फिर आम, और भी जो लोकल नर्सरीज होती हैं वहाँ से ले लेती हूँ लाइक like, जहाँ पे मुझे लगेगा कि अच्छा प्राइस क्योंकि मैं प्लांट की दुनिया में बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करती हूँ तो मुझे पता है कि कौन से प्लांट का रेट कहाँ पे क्या है और हमारे यहाँ कैनेडा में सारा साल तो प्लांट्स अवेलेबल होते भी नहीं है सिर्फ सीजनल आते हैं तो फिर उसी सीजन में लेने की कोशिश होती है और जो मेरी प्लांट मेरी लिस्ट में होते हैं वो हमेशा मुझे हर जगह से मिलते नहीं है सो मुझे होता है कि प्लांट्स के प्राइस अच्छे हों और दूसरा हो कि मेरे फेवरेट हूँ सो ये जो प्लांट है ड्रेसिना ये बहुत ही ज़्यादा ईजी प्लांट है अगर है, तो ये लें। so, ये बहुत अच्छा बड़ा प्लांट हो जाता है और uh, काफी ग्रीन है और uh, ये आसानी से मरेगा नहीं तो ये ले सकते हैं आप और एक्चुअली uh, मैं ये अरेला फॉल्स अरेला के बारे में बताना भूल गई। अगर आप मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं तो आपने ये देखा होगा ये फॉल्स अरेला मेरी लिस्ट में था बहुत समय से और अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है ये इसके पत्ते झड़ते ही जा रहे थे और आ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है मैंने सारा कुछ चेक कर लिया पर मैंने इसकी सॉइल चेक नहीं की अगर आपके पत्ते मर रहे हैं तो सॉइल ज़रूर चेक करें क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है और जब मैंने इसकी सॉइल चेक की तो मैंने देखा कि इसमें वार्म थे सॉइल वाले सफ़ेद से छोटे चुट छोटे तो फिर मैंने वो सारी सॉइल को चेंज किया इसकी रूट्स को पूरी अच्छी तरह क्लीन करके एक रात पानी में रखा और सॉइल को बैग में डाल के बंद करके घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो बाकी जगह पर भी जा सकता मुझे लगता है जिस दिन मैंने इसको ख़रीदा था इतनी जल्दी में थी तो मैंने इसकी जड़ें नहीं देखी थी तभी इसमें इंसेक्ट होगा क्योंकि तभी से ये झड़ ज़, रहा था और अब होपफुली ये सर्वाइव कर जाए क्योंकि ये प्रोसेस मैंने किया था कुछ हफ्ते पहले और इसमें नया बेबी है एक दो तो आई गेस ये अब खुश है देखते हैं कि बचेगा या नहीं पर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था ये ये डिफरेंट सा प्लांट था सो तो ऐसे हो जाता है डोमवरी सो so, अगला है मेरे पास ये एरोहैड मारिया क्योंकि ये पिंक कलर का है इसको मारिया बोलते हैं सो so, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लांट है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसका रंग डिफरेंट है इसकी शेप बटरफ्लाई जैसी है ये मैंने बेबी लिया है क्योंकि अफोर्डेबल था और या ये है मेरे पास इसी का भाई मेरे पास अनदर एरोहोड है सो अनदर एरोड है मेरे पास ये भी मैंने बेबी लिया था और अब ये काफ़ी अच्छा बड़ा हो गया है मुझे लगता है कि इसी साइज़ का था ये भी और अब ये अच्छा खुश है ये जो प्लांट है इसको लो लाइट चाहिए और शेडो चाहिए ह्यूमिडिटी चाहिए अगर इसको ह्यूमिडिटी देंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होगा ह्यूमिडिटी कैसे देंगे आप ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं या पानी स्प्रे कर सकते हैं तो ये खुश रहेंगे प्लांट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे जगह मुक्कर लग जाएगी मुझे लगता है ओके सो अगला मेरे पास अच्छा है ये पाइलिया इसके पत्ते मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखिए कितनी अच्छी टीयर ड्रा ट ड्रॉप जैसे इसकी शेप है इसको भी आ, चेंज किया गया है ये भी अलग से बेबी कर देता है लाइक छोटे छोटे साइड से निकल जाते हैं जिसको आप निकाल के अलग प्लांट में लगा सकते हैं या दोस्तों मित्रों में बांट सकते हैं सो so, ये है वो एक्चुअली इसे वापस ही रख सकते हैं सो so, अगर मेरे पास है ये गोल्डन पॉथोस जो काफ़ी छोटा था नॉट छोटा लाइक इतना बड़ा हुआ है ये सिर्फ ऊपर से ही था पर ये इसकी अच्छी वाइन निकल गई है लाइक अच्छा खुश है ये और बहुत सारे दोस्तों के मैसेज मैंने पढ़े कि वो जब ये गोल्डन पॉथोल लेके आए घर में लाइक मनी प्लांट बोलते हैं इसको और ये सर्वाइव नहीं किया इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर आप इसको घर में लाते ही इसका प्लांट आ, प्लांटर चेंज कर देते हैं तो फिर वो नाखुश हो जाता है ये बहुत ज़्यादा जल्दी नाखुश होता है और अगर ये आपने समय निकाल लिया इसको थोड़ा समय अपने घर में इन्वायरमेंट को जानने में रहने दिया तो ये ये बहुत ज़्यादा ईजी प्लांट है बहुत आराम से सर्वाइव करेगा और बहुत थ्राइव करता है ये सो so, ये है वो एंड देन मेरे पास है ये ड्रैगन प्लांट जो बच्चा था पर अब काफ़ी बड़ा हो चुका है इसको भी मैंने बहुत समय छोटे से प्लांट में छोटे से प्लांटर में रखा था पर अब ये बहुत बड़ा है तो इसको ज़्यादा मिट्टी की जरूरत है तो यस ये काफ़ी खुश है ग्रीन है हैप्पी है ऐसे ही मैंने और दो बेबीज़ लिए हैं ड्रैगन प्लांट के जिसको मैंने एक साथ ही लगा दिया है और यस ये भी अच्छे खुश प्लांट्स हैं अपने प्लांट्स की जांच पड़ताल करते रहें थोड़े थोड़े दिन बाद कि सॉइल कैसी है कोई इंसेक्ट तो नहीं है ऐसे वैसे फलतू फलतू चीज़ें करते रहें और यहाँ पे मैं ये फिला और इसका मैंने एक पाईलियर डाला था बजारा मार गया ओके सो so, फिलाडेंड्रिन um, की भी मैं प्रोपोगेशन uh, कर रही हूँ अभी तक जड़ें निकली ही नहीं है क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने लगाया है और ये जो uh, ये जो ग्लास के प्लांटर्स हैं ये मैंने थ्रिप्ट स्टोर से लिए थे इसी काम के लिए ऑलराइट right, मुझे लग रहा था कि मेरे पास इनफ प्लांट्स नहीं है कमी है पर आ, मैं थक गई हुई यार अभी बहुत सारे प्लांट्स बाकी हैं ओके सो दिस इज़ ट्रॉपिकल फॉलियज है मेरे पास ये आ, इसमें मैंने दो डिफरेंट प्लांट्स लगा के रखे हैं ये मुझे अच्छा लगता है और इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है अगर आप देखेंगे ध्यान से जब इसको पानी की जरूरत हो तो ये थोड़ा ये बैठ जाता है आ, अब थोड़ा ये बैठ गया है लाइक like, इतना ज़्यादा वो नहीं है अदरवाइज uh, ऐसे खुश खड़ा रहता है अभी बेचारा थोड़ा सैड है ये ब्यूटीफुल सा प्लांट जिसके पत्ते बहुत ज़्यादा अच्छे बड़े हो चुके हैं बहुत छोटे छोटे थे और ये इसमें पिंक से फ्लावर्स भी आते हैं और पत्तों का रंग एंड शाइन देखें और जो भी ऐसे जो मेरे पास प्लांट्स हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा नीम ऑयल नन्नी सेल्कोहल एंड पानी और विनेगर के मिक्सचर से इसके पत्तों को क्लीन करूँ ताकि इंसेक्ट दूर रहें और जब आप इसके पत्तों को क्लीन करते हैं तो जो भी न्यूट्रेंट्स हैं या ह्यूमिडिटी है वो अच्छी तरह ये सोख सकते हैं आप इनके पत्तों की खुशी से देख सकते हैं कि मेरे घर में ये अच्छा खुश है एंड देन मेरे पास है आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस कैन सी मॉन्सटेरा मुझे बहुत मुश्किल से मिला ये मॉन्सटैरा मुझे मिला दुकान का नाम है लॉस और ये मुझे मिला था 23 में और अच्छा इसने ग्रो किया इस सीज़न में मैं इसको अर्ली समर्स ही ले आई थी और इसमें नए पाँच छः पत्ते आए हैं और इनमें से एक पत्ता काट के मैंने प्रोपोगेशन के लिए रख लिया है क्योंकि मैं इसको बढ़ाना चाहती हूँ देन मेरे पास है ये ब्यूटिफुल बड़ा ड्रैगन प्लांट आ, जो कि मुझे लगता है मैंने मॉन्स्टेरा के साथ ही लिया था आपने देखा ही होगा ऑलरेडी देन आई हैव वन मोर प्लांट जो कि स्पाइडर प्लांट के जैसा दिखता है एक्चुअली मैं इसको लेके आई थी गलती से मुझे लगा था कि ये स्पाइडर प्लांट है और एक और टिप जब आप प्लांट की केयर करते हैं हफ्ते दो हफ्ते बाद तो कोशिश करें कि जो भी मरे हुए पत्ते हैं छोटे छोटे भी उसको निकाल देंगे अगर आप मरे हुए या ड्राई पत्तों को निकाल देंगे ज़्यादा खुश होगा प्लांट आपका अदरवाइज जो मरे हुए ड्राई पत्ते हैं वो भी न्यूट्रिएंट्स uh, सॉयल uh, से लेते रहते हैं वैसे तो वो मर गए हैं पर वो वेस्ट करते रहते हैं वो सारी चीज़ें ले लेके और जो अच्छे पत्ते हैं उनको इन्ना फूड मिलता नहीं है सो so, कोशिश करें कि आपके पत्ते हमेशा क्लीन रहें देन मेरे पास है ये ब्यूटीफुल सा स्पाइडर uh, प्लांट और ये स्पाइडर प्लांट इसलिए है क्योंकि इसमें से ये जो निकलते हैं बेबीज नीचे लटक जाते हैं स्पाइडर प्लांट की तरह और आप इनको इनकी कटिंग करके अलग से नए प्लांट्स बना सकते हैं और यार बोल बोल के मेरा गला सूख गया ओके okay, सो so अगला मेरे पास है ये यूका प्लांट जो कि आई थिंक मैंने आइया से लिया है और इस सीज़न में इसको मैंने दो बार फर्टिलाइज ऑलरेडी कर दिया है और इसने भी अच्छा ग्रो किया है काफ़ी सारे नए स्टेम्स हैं इसमें और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पर इस इसको भी मैंने अभी इसके नर्सरी वाले प्लांटर में ही रखा है पर मैं इसके लिए हैवी सिरमिक का प्लांटर चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत हैवी प्लांट है और जो 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 इसके लिए मैं प्लांटर लेके आई थी वो बेचारा इतना कमजोर था कि इसको रख ही नहीं पा रहा सीधा वो और फॉल आने से पहले मैं इसका प्लांटर चेंज करूँगी और काफी ब्यूटीफुल सा प्लांट है ये ओके okay, देन मेरे पास से दो पीस लिली आ, पीस लिली बहुत ज्यादा पुराना है अराउंड फाइव इयर्स पुराना है और एक नया है पर इतना खुश नहीं है वो पता नहीं क्यों और कभी उसमें अच्छे वाइट फ़्लावर्स uh, आ जाते हैं पर हमेशा नहीं आते पर या इट्स नॉट वेरी हैप्पी प्लांट अगला है फडली फैग ये काफ़ी छोटे बच्चे लिए थे मैंने इस सीज़न में इसने भी अच्छा ग्रो किया है ये दो डिफरेंट प्लांट्स को मैंने एक ही में रखा है कोशिश है मेरी कि दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कर दिया जाए ताकि ज़्यादा ग्रो कर पाए ऐसे बेचारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन ग्रो करे कौन नहीं सो so, yeah, ये करूँगी मैं और ये मेरे पास अदर स्नैक प्लांट है ये भी जिस प्लांटर में है मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है मैं कोशिश करने वाली हूँ कि इसको मैं बड़े से लंबे सिरम एक पार्ट में डालूँ लाइक like, लंबा सा हो ताकि सारे एक दूसरे कार के साथ स्टिक टुगेदर कर पाएँ सो यह मुझे लगता है कि मैंने सारे प्लांट्स कवर कर लिए हैं पर डाउट है मुझे कि एक दो छूट गए होंगे और सो so, या yeah, दोस्तों ये बहुत लंबे समय से ड्यू वीडियो को आई होप आपने इन्जॉय किया होगा मैंने मेरी टिप्स आपके साथ शेयर की है जो कि है प्लान्टर को चेंज नहीं करें एकदम से पानी बहुत ज़्यादा नहीं दें और बहुत डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए और सॉइल को चेक करें कि पानी की ज़रूरत है तभी दें और बिल्कुल ड्राई भी नहीं होने दें और फ़र्टिलाइजर भी बहुत ज़्यादा नहीं करें अगली टिप है कि पत्तों को हमेशा क्लीन करके रखें लाइक ऐसे जो पत्ते हैं उनको क्लीन करें ताकि वो खुशी को अपने अंदर सोख पाएँ और यस यही ये है और प्लांट्स को एक दूसरे के नज़दीक रखें जितना नज़दीक रहते, है, रहते हैं ज़्यादा खुश रहते हैं अकेला अकेला प्लांट कई बार उदास हो जाता है और आप इनके साथ बातें करें इनको इनको हवा आने दें लाइक डोर खोलें जब ये हिलते हैं खुश फील करते हैं आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों ये हमारे जितनी चीज़ें फील करते हैं आपकी वॉइस को फील करते हैं आपको शायद मैं पागल लगूंगी पर अगर आप प्लांट वाले बंदे हैं आप इस पर यकीन करेंगे कि अगर आप इनसे इनको लव देंगे ना बच्चों की तरह तो ये खुश रहेंगे आई होप मेरे प्लांट्स खुश हैं आपको क्या लगता कि है कि खुश है दुखी हैं मुझे तो लगता है खुश है और मैं क्रेजी मम हो सकती हूँ कि बेचारे दुखी हों अंदरों अंदरी और मैं सो दिया हाँ मेरे बच्चे बहुत खुश हैं प्लीज़ मुझे बताना अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और कमेंट बार में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बताना मैं मिलूंगी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू ब्यूटिफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग वेन डू फ्रीकिंग थिंग ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन दैट्स इट Easy, right? Bye, lalu.